Hello all, this is Megha Patel, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar, Bhopal. Good morning students. In last class we studied about definition and basic introduction of the unit 5th, that is your floods. Okay. So, I was discussing about what is the use of studying this chapter, in particular your water resource engineering. We have to study about flood for designing a particular flood control measures, or for particular designing certain mitigation measures, or for certain providing certain provisions in particular canal and other water providing resources. We know that what is flood. We have discussed about what are the causes of flood, and we have also discussed about what are the ill effects of flood. Next important चीज जो हमारे पास है कि भाई flood की frequency को observe करना और flood की probability को observe करना है. मतलब क्या है कि भाई flood की probability और flood की frequency. मतलब क्या है कि भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर जगह में फ्लड आएगा ही आएगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर जगह पे फ्लड कितने टाइम बाद किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है. सो ये दोनों स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलर उस हिसाब से हम एक पर्टिकुलर अपने स्ट्रक्चर को भी डिज़ाइन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक कैनाल है जो कि पर्टिकुलर 11 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूमिक डिस्चार्ज को कैरी करता है, ठीक है. सो अगर मुझे पता है कि एक उस पर्टिकुलर कैनाल जहाँ पे भी बना है वहाँ पे हर 50 साल में एक बार फ्लड आता है, ठीक है, तो हम डिस्चार्ज को जब डिज़ाइन करेंगे तो पर्टिकुलर सर्टन प्रोविजंस लेके डिज़ाइन करेंगे कि 50 साल भी अगर कैनाल का डिज़ाइन जितने भी साल के लिए हमने किया है, तो अगर 50 साल में भी एक बार भी अगर कभी भी फ्लड आता है, ठीक है, तो पर्टिकुलर उस टाइम के लिए आपका जो कैनाल है वो पर्टिकुलर उस फ्लड वाटर को कैरी करना चाहिए अच्छे से, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्लड की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ओके, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब, जैसे कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने नंबर कितने बार वो पर्टिकुलर एक इवेंट आता है. सो नंबर ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर इवेंट ऑकर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. अब वो फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड में आता है, ठीक है. सो नंबर ऑफ टाइम दैट अ गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ इवेंट ऑकर मे ऑकर इन अ गिवन रिटर्न पीरियड, ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी का हमको समझ में आया कितने बार वो फ्लड सेम मैग्नीट्यूड से आएगा एक पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड में. रिटर्न पीरियड क्या होता है वो हम आगे चल के समझेंगे. अभी आप बस ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने बार वो फ्लड आया. नेक्स्ट इज योर प्रोसीजर फॉर एनालिसिस. फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का मतलब क्या है कि कितने बार वो फ्लड आया और उसका पर्टिकुलर एनालिसिस जो हम करते हैं वो पर्टिकुलर आपका कहलाता है फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ठीक है. अब ये फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम करते क्यों हैं? वाई टू कैलकुलेट फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ठीक है. सबसे पहला है कि मुझे एक पॉसिबल फ्लड मैग्नीट्यूड को एस्टिमेट करना. ओके, पॉसिबल फ्लड मैग्नीट्यूड को अगर हम एस्टिमेशन ऑफ फ्लो भी कहें, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की स्टडी करेंगे तो मुझे एक फ्लो का एस्टिमेट मिल पाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है कि क्यों हम करते हैं. नेक्स्ट इज ताकि हम अपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को सेफली डिज़ाइन कर सकें. ओके, पहला हो गया आपका कि हम फ्लड को एस्टिमेट कर लेंगे कितना अमाउंट ऑफ फ्लड आया. दूसरा क्या है आपका कि भाई आपने अपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का सेफ डिज़ाइन किया, जैसे कि डैम्स हो गए, आपके कल्वर्ट्स हो गए,
ठीक है, ये सारों को सेफ डिज़ाइन करना, क्योंकि अगर मुझे फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस स्टडी मिलेगी तो मुझे एस्टिमेशन ऑफ फ्लो मिलेगा, अगर मुझे एस्टिमेशन ऑफ फ्लो मिलेगा तो उस हिसाब से मैं अपने डैम्स और कलवर्ट्स को डिज़ाइन करूँगी। ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट रिलायबल एंड लॉजिकली लॉजिकल अप्रोच, मतलब रिलायबल इन द सेंस उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, और लॉजिकल मीन्स इट वुड हैव अ सर्टन प्रूफ की मतलब इतना इतना ये आया। ओके, नेक्स्ट इज़ अ फ्लड इंश्योरेंस एंड फ्लड जोनिंग, पर्टिकुलर जोन्स बताना, अगर हम पर्टिकुलर फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर लेंगे तो मैं पर्टिकुलर वो फ्लड जोन्स बता पाऊंगी जो कि ज़्यादा प्रोन हैं, और मैं पर्टिकुलर फ्लड इंश्योरेंस का प्रोसेस कर सकती हूँ। ओके, सो फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ। ठीक है, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्यों और भी रिक्वायर्ड है कि देखो भाई, या तो आपका हमने अभी तक जितने भी हम अपने डिज़ाइनिंग पर्पस चीज़ें पढ़ते हैं, आरसीसी में भी आप पढ़ते हैं कि ओवर डिज़ाइन भी नहीं होना चाहिए, अंडर डिज़ाइन भी नहीं होना चाहिए, एकदम बैलेंस डिज़ाइन होना चाहिए आइडियली। ओके, क्योंकि देखो, इफ़ वी ओवर डिज़ाइन वी वुड एक्सीड दी इकोनॉमिकल अप्रोच, एंड इफ वी अंडर डिज़ाइन वी वुल एक्सीड दी सेफ्टी अप्रोच, वी वुड एक्सीड दी सेफ्टी अप्रोच। दैट मीन्स जैसे एक ही एक बात को, जैसे एक इनिशियल कॉस्ट ऑफ ब्रिज, जिसको हमने 5 ईयर के फ्लड को 5 ईयर के फ्लड को झेलने के लिए बनाया है, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होगा, लेकिन 5 साल बाद जब वो उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे तो वो फिर लार्ज होने लग जाएगा। तो आप अगर 5 साल के लिए उसको करेंगे तो आपका अंडर डिज़ाइन ही कहेगा। ऐसे ही अगर हम एक पर्टिकुलर वहीं पे एक ब्रिज 100 साल के फ्लड के लिए डिज़ाइन करें तो वो एक्सट्रीमली कॉस्टली होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इसीलिए करना है ताकि हम ये जो 100 साल का फ्लड जो एक्सट्रीमली कॉस्टली पड़ रहा है, और जो कम साल का है जो लो कॉस्ट पड़ रहा है, वो पर्टिकुलर डिसएडवांटेज को हम कंप्लाई कर सकें। ठीक है, सो इंटरमीडिएट डिज़ाइन वुड प्रोवाइडेड एट अ ब्रिज साइट फॉर द लोएस्ट एवरेज एनुअल कॉस्ट। ओके, अब पर्टिकुलर इस एनालिसिस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, नोट डाउन करिएगा कि मुझे पहले पास्ट फ्लड डेटा चाहिए, दैट मीन्स मुझे डिस्चार्ज चाहिए, पर्टिकुलर जो भी रिसोर्स है आपके पास रिवर है, रिवर का चाहिए मुझे, अगर लेक है तो लेक का चाहिए, पर्टिकुलर जो भी रिसोर्स है वाटर का मेरे पास, उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे मुझे पास्ट फ्लड का डेटा चाहिए। पास्ट फ्लड यानी कि पिछले सालों में कितना आपका फ्लड आया है, यानी कि कितना आपका फ्लो आया है पर ईयर, मुझे वो कुछ पास्ट ईयर का चाहिए। जैसे कि हम जब एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालते हैं तो पिछले 35 साल का डेटा लेते हैं। ओके, इसमें हम एक कंसिडरेबल अमाउंट का डेटा लेंगे फ्लड का, ठीक है, जिससे हमारी स्टडी अच्छे से हो पाए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी पिछले साल के काफ़ी डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, अगर कम फ्लक्चुएशंस है तो यूजली 10-15 साल के डेटा में भी काम हो जाता है। द डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स, और ये कहाँ से हमको पास डेटा मिलेगा, हम जियोलॉजिकल सर्वे होता है वहाँ से ले सकते हैं, कुछ फेडरल स्टेट और प्राइवेट एजेंसीज होती हैं वहाँ से ले सकते हैं। सो हमने क्या डेटा लिया, फ्लड वर्सेस मतलब कितना आपका वो पर्टिकुलर रिसोर्स में फ्लो रहा पर ईयर। सो सबसे पहला हमको फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए क्या चाहिए, हमको फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए क्यों करना है, ताकि अंडर डिज़ाइन और ओवर डिज़ाइन वाला कॉन्सेप्ट ना पाए, और क्या सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमको पास्ट फ्लड का डेटा चाहिए। पास्ट फ्लड के डेटा चाहिए में हमको पर्टिकुलर पिछले कुछ सालों का डेटा कलेक्ट करना होता है फ्रॉम दी जियोलॉजिकल सर्वे या पर्टिकुलर जहाँ भी स्टेट एजेंसी से कलेक्ट करना। ओके, अब फ्लड डेटा मिल गया, लेकिन अब पर्टिकुलर फ्लड पीक डेटा ऑब्जर्व करने के भी मेरे पास दो मेथड्स हैं। पहला है एनुअल फ्लड सीरीज मेथड और दूसरा है पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज मेथड। ओके, एनुअल फ्लड सीरीज मेथड में क्या होगा कि
एक पर्टिकुलर वाटर ईयर में कितना हाईएस्ट, वो पर्टिकुलर जो चार्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ था उसमें हाईएस्ट पीक कौन सा है, फॉर एग्जांपल ये है, तो पर्टिकुलर जितने भी आपके डेटा आपके पास प्रेजेंट होगा उसमें ईयर वाइज आपका कितना पीक डिस्चार्ज आ रहा है सब में कंपैरिजन है, वो हो गया एनुअल फ्लड सीरीज। यूजुअली हम एनुअल फ्लड सीरीज से ही कलेक्ट करते हैं, पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज में क्या होता है जनरली हम उसको वहाँ एडॉप्ट करते हैं जहाँ पे रेनफॉल ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक जैसी हो पूरे ऑल ओवर द ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई ये हमने फ्लड पीक डेटा को कलेक्ट करने का हमने मेथड्स निकाला। नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्लड फ्रीक्वेंसी को भी ऑब्जर्व करने के मेरे पास दो अप्रोचेस हैं। पहला है आपके पास स्टैटिस्टिकल अप्रोच, दूसरा है रेनफॉल रन ऑफ मॉडल। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि रेनफॉल रन ऑफ मॉडल में हम डब्ल्यू इंडेक्स निकालते हैं, फाई इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, हमको पता होता है कि भाई हाइटोग्राफ मिलता है हमको रेनफॉल से, रेनफॉल से फिर जब हम हाइटोग्राफ मिलता है तो हम क्या बनाते हैं, हाइटोग्राफ मिलता है तब हम बनाते हैं आपका डब्ल्यू इंडेक्स, फाई इंडेक्स निकालते हैं, तो जो उस डब्ल्यू इंडेक्स के ऊपर रह गया वो आपका रन ऑफ में कन्वर्ट होगा। तो हमको वो रन ऑफ मॉडल को ऑब्जर्व करना होता है, वो रन ऑफ को उसका पर्टिकुलर अमाउंट को एस्टिमेट करना पड़ता है, और उस पर्टिकुलर रन ऑफ जो अमाउंट है वो एस्टिमेट जो हमने किया वो पर्टिकुलर रिवर की नॉर्मल कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा हुआ तो वो फ्लड में आ जाएगा। और कितने बार हुआ साल में, पर्टिकुलर पिछले सालों में कितने बार हुआ, अगर हम 10 साल को ऑब्जर्व करते हो 10 साल में ऐसा कितनी बार हुआ, 20 साल को ऑब्जर्व करते हो 20 साल में ऐसा कितनी बार हुआ, तो हर साल का हाइटोग्राफ बनेगा और फ्लड डब्ल्यू इंडेक्स फाई इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया जो पिछला हमने डिस्कस किया हुआ है रेनफॉल रन ऑफ मॉडल। नेक्स्ट है आपका फ्लड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करने के लिए जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल। इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल अप्रोच में मेरे पास क्या है, मुझे फ्लड क्वांटिटीज और एस्टिमेट करने के लिए कुछ प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब वो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स क्या क्या हैं, एक पर्टिकुलर लिस्ट है आप अपने पास, दैट इज फर्स्ट इज योर प्रोबेबिलिटी प्लॉटिंग मेथड, नेक्स्ट इज योर वीबुल फॉर्मूला, नेक्स्ट इज योर हेजन्स मेथड, कैलिफोर्निया मेथड, गम्बल्स मेथड। तो ये सारे क्या हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है कि भाई ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे मैं फ्लड की क्वांटिटीज़ को एस्टिमेट कर सकती हूँ। फ्लड की क्वांटिटीज़ को जब मैं एस्टिमेट कर पाऊँगी तो मुझे ये पता चल पाएगा कि कौन से साल में कितना फ्लड गिरा और कौन से साल में कितना फ्लड गिरा और फिर पर्टिकुलर कितने फ्रीक्वेंसी से वो आपको मिला। ओके, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो है कि भाई फ्लड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्लड फ्रीक्वेंसी के बाद उसका हम एनालिसिस क्यों करते हैं, और एनालिसिस करते हैं तो सर्टेन क्या क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। अभी कुछ हम स्टेप्स अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, वी आर इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रोबेबिलिटी से फिर हम फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट उसके बारे में हम डिस्कस करें। आपको अभी तक जो भी डाउट है आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच।